बड़ी शर्मनाक बात है कि चुनाव के अलावा ये सरकार और कोई बात नहीं करती। चुनाव जीत गए थे आप 19 में, 14 में भी जीते थे, उन 5 सालों में क्या किया वो आपके सामने है, इसका जवाब देना, हिम्मत दिखाए ना। हम इन्हें चुनौती देते हैं, हिम्मत हो तो इन सवालों का जवाब दीजिए, हिम्मत हो तो प्रधानमंत्री जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए और इन तमाम प्रश्नों का उत्तर दीजिए, फिर 24 की बात तो 24 में करेंगे। आज 21 की बात कर रहे हैं, आज 14 से लेकर 21 तक जो आपने कांड किए हैं उसकी बात कर रहे हैं, उसका जवाब दीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कांडों पर भड़के कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा, दे दी पीएम मोदी को खुली चुनौती, कहा अगर हिम्मत है तो सामने आइए और हमसे प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए। दरअसल राफेल विवाद एक बार फिर से गर्मा गया है। कांग्रेस जिस राफेल में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए चौकीदार को चोर बता रही थी, फ्रांस सरकार द्वारा इसकी जांच शुरू कर देने के आदेश दे देने के बाद कांग्रेस के आरोपों को दम मिल गया है। अब राहुल गांधी पीएम मोदी को चोर और उनकी दाढ़ी को राफेल से जोड़कर चोर की दाढ़ी में तिनका बता रहे हैं, और इन सब के बीच कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बखेड़ा खड़ा कर दिया है और उन्होंने खुलेआम पीएम मोदी को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की चुनौती दे दी है। कहा अगर हिम्मत है तो सामने आइए और अपने 7 साल के कांडों पर जवाब दीजिए और हमसे प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए। चुनौती देते हैं, हिम्मत हो तो इन सवालों का जवाब दीजिए, हिम्मत हो तो प्रधानमंत्री जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए और इन तमाम प्रश्नों का उत्तर दीजिए, फिर 24 की बात तो 24 में करेंगे। आज 21 की बात कर रहे हैं, आज 14 से लेकर 21 तक जो आपने कांड किए हैं उसकी बात कर रहे हैं, उसका जवाब दीजिए। ऐसे में देखने वाली बात यह है कि क्या पीएम मोदी कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा द्वारा दी गई चुनौती को स्वीकार करते हैं या नहीं। लेकिन इन सब के बीच सवाल गोदी मीडिया के पत्रकारों की चुप्पी पर है। आखिर क्यों रूबिका लियाकत से लेकर चित्रा त्रिपाठी, अंजना ओम कश्यप और रमेश देवगन ने अब तक एक भी शो इस पर नहीं किया है। हिंदू मुस्लिम के हर मुद्दे पर ट्वीट करने वाले दीपक चौरसिया और रमेश देवगन ने आखिर राफेल मामले पर एक भी ट्वीट नहीं किया है। इन गोदी मीडिया के पत्रकारों पर अब सवाल उठ रहा है कि आखिरकार ये किसकी गोद में खेल रहे हैं। इन सब पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और साथ ही अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि देश और दुनिया की सारी खबर आप तक पहुंचाई जा सके।